शुरू करते हैं। पहला है आपका एल्यूमिनेटर। एल्यूमिनेटर का उपयोग हम लोग मेन रूप से विद्युत को संग्रहित करने के लिए, करंट को संग्रह करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए करते हैं, जिसकी आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एरोमीटर की बात करें तो एरोमीटर डिवाइस का उपयोग कहां किया जाता है, तो वायु और गैस का भार और घनत्व। ध्यान देंगे, वायु और गैस का भार और घनत्व नापने में किसका प्रयोग किया जाता है, एरोमीटर का। बिल्कुल। और अल्टीमीटर का प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। ध्यान रखेंगे, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप कहेंगे रडार का प्रयोग किया जाता है, तो रडार का प्रयोग दिशा, विमान की दिशा और उसकी गति ज्ञात करने के लिए किया जाता है, अल्टीमीटर का ऊंचाई के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और चौथा डिवाइस हमारा अमीटर। और अमीटर सबको पता है कि ये करंट नापने के लिए, विद्युत धारा नापने के लिए किया जाता है। और यहाँ पहला क्वेश्चन एमसीक्यू, जैसा कि हमने बात किया था, एमसीक्यू के साथ ही बात करेंगे कि वायु घनत्व नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देंगे कि अपना पॉइंट क्या था, कि वायु साथ में दूसरी गैसों का भार और घनत्व, मास और डेंसिटी, वेट और डेंसिटी दोनों ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग, अल्टीमीटर, अमीटर या एरोमीटर, कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगला डिवाइस है आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर हवा की शक्ति और गति नापने के लिए, एनीमोमीटर किसकी, हवा की शक्ति और गति नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ऑडियोमीटर की बात करें तो ध्वनि की तीव्रता, ऑडियो जो हेडफोन लगाते हैं हम लोग, ऑडियो, ऑडियो साउंड सुनते हैं, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता। और बैलेस्टिक गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, लघु धारा। देखिए अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से क्या, एमीटर से हम लोग करंट नापते हैं, और उसी करंट को, एम्पियर को जब मिनिमम माइक्रो एम्पियर में नापते हैं, यानी बहुत छोटी सी धारा नापनी हो माइक्रो एम्पियर, तब हम बैलेस्टिक गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोग्राफ, देखिए बैरो के दो हैं, बैरोमीटर और बैरोग्राफ, दोनों आपको ध्यान देना है। बैरोग्राफ में वायुमंडल के नाम से होने वाले परिवर्तन, वायुमंडल के दाब से, दाब में, ठीक है ये नाम नहीं है, दाब है, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को नापने के लिए बैरोग्राफ का और बैरोमीटर का वायु दाब में, वायु दाब नापने के प्रयोग में। ध्यान देंगे, वायुमंडल में जो परिवर्तन होगा उसको नापने के लिए बैरोग्राफ है, और वायु दाब नापने के लिए बैरोमीटर है। और यहां क्वेश्चन है आपके अगले समय, अगले क्वेश्चन की दूसरा सवाल है, ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए, अभी अभी देखा था, ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए किसका, बैरोमीटर का, ऑडियोमीटर का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। खैर आपका आंसर कमेंट में। 10वें नंबर पे हमारा डिवाइस कौन सा है, विनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर से क्या करते हैं भाई, दूर की वस्तु देखने के काम आती है। जी बिल्कुल, दूरदर्शी की तरह, ठीक है। बाइनोक्यूलर का काम क्या होता है, दूर की वस्तु को पास में लेके आता है। अच्छा, कैलिपर्स का तो सबने यूज किया हुआ है, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में। बिल्कुल भाई, कंपास, कंपास जैसा होता है कैलिपर्स, इसका यूज कहां करते हैं, तो व्यास, डायमीटर, या आप रेडियस कह लीजिए, त्रिज्या कह लीजिए, या किसी वस्तु की मोटाई नापने के लिए। तो किसी भी बेलनाकार वस्तु के आंतरिक और बाहरी व्यास के, या त्रिज्या को नापने के लिए और वस्तु की मोटाई को नापने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, कैलिपर्स का। और बात करें अगर कैलोरी मीटर का, तो आपको पता है कि यह उपकरण तांबे का बना होता है, और यह किसके लिए, ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा। बिल्कुल, जो भी हम भोजन खाते हैं, लेते हैं बॉडी के लिए, तो बॉडी में जो भी एनर्जी जाती है उसको जूल में या अर्ग में काउंट नहीं करते, उसको कैलोरी में काउंट करते हैं, बॉश में, ठीक है। अब यहां देखते हैं कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर उपकरण का प्रयोग कहां करते हैं, तो दहन, पेट्रोल इंजन में, अंतः दहन पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का यूज किया जाता है। साथ में इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, इस यंत्र से पेट्रोल और हवा का मिश्रण बनाया जाता है, अंतः दहन पेट्रोल इंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम की बात करें तो इसके द्वारा हृदय गति, हृदय गति की जो जांच की जाती है, और इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहा जाता है। कार्डियोग्राम को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहा जाता है। और ये 15वां उपकरण। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका कि क्रोनोमीटर का क्या काम है, तो क्रोनोमीटर उपकरण
जवानों पर लड़ा होता है, इसे सही समय का पता चलता है। ठीक है, ये जमाने जहाजों पर लगा होता है। क्रोनोमीटर कहां लगा होता है भाई? तो जहाजों पर, जहाजों पर लगा होता है क्या करने के लिए? सही समय का पता करने के लिए, सही समय बताने के लिए, टाइम लिए। सवाल है तीसरा, समय है तीसरे क्वेश्चन का, कि कैलिपर्स का कार्य होता है, कैलिपर्स का क्या कार्य भाई? ऑप्शन ए में बेलनाकार वस्तु की भीतरी त्रिज्या का ज्ञात करने के लिए, या बेलनाकार वस्तु की बाहरी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, या बेलनाकार वस्तु की मोटाई ज्ञात करने के लिए, या ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। आई होप आंसर आपको दिख रहा होगा, कमेंट में बताइएगा। अगर यहाँ तक बने हैं तो एक लाइक बनता है, शेयर कर दीजिए ताकि अगली बार, हाँ सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि चिपक जाए आपसे अगली बार फिर से। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। सिस्टीन डिवाइस है सिनेमेटोग्राफ। सिनेमेटोग्राफ का काम क्या है? तो छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि जो चलचित्र होता है, ये चलचित्र सिर्फ चित्र होता है, इसको चलाया जाता है। तो छोटे बड़े पर्दे पर छोटी छोटी फिल्मों को चलाने का, प्रक्षेपण यानी आगे की तरफ चलाने का काम कौन करता है? सिनेमेटोग्राफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कंपास बॉक्स, ये तो सभी को पता है, डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ, उत्तर दक्षिण दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास बॉक्स का यूज करते हैं। और इसी क्रम में साइक्लोट्रॉन की बात करें तो इस उपकरण की सहायता से आवेशित कण जैसे नाभिक कण, जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है, एनर्जी दी जाती है, एक्टिव किया जाता है। ठीक है, डेंसिटी मीटर घनत्व, डेंसिटी यानी घनत्व, तो इस उपकरण से डेंसिटी नापने का कार्य किया जाता है, घनत्व नापने का कार्य किया जाता है। और डिक्टाफोन का मतलब क्या हुआ? कि इसका उपकरण का उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्रायः ऑफिस में प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं जो रिकॉर्डर होता है, रिकॉर्डर में क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद फिर जहां उसे सुनाना होता है सुना देते हैं, वही रिकॉर्डर जिसको हम क्या कहते हैं, डिक्टाफोन। ठीक है, रिकॉर्डर का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके पास चौथे क्वेश्चन का समय आ गया कि घनत्व नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डेंसिटी मीटर का, डिक्टाफोन का, साइक्लोट्रॉन का, या इनमें से कोई नहीं? आंसर अभी अभी हम लोगों ने देखा था डेंसिटी। घनत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी मीटर। बहुत सी नमन मापी वह उपकरण है जिसे किसी स्थान पर नमन कोण यानी 90 से कम कोण नापने का काम करते हैं। और डायनामोमीटर इस यंत्र की सहायता से इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने का काम करते हैं। किसके द्वारा? डायनामोमीटर के द्वारा। ठीक, और डिवाइस नंबर 22 है एपिडास्कोप। इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। और 23 डिवाइस है साइटोमीटर, समुद्र की गहराई को नापने में के काम में आता है। समुद्र की गहराई में जब किसी डूबे हुए जहाज को, जलयान को, या गर्त को, खजाने वगैरह को ढूंढने के लिए साइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? तो ध्यान देंगे कि छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने के लिए, छोटे परिपथ में, छोटे सर्किट में करंट के डायरेक्शन और उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी को ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और डिवाइस नंबर 25 गाइगर गुलर काउंटर। गाइगर गुलर काउंटर क्या होता है? रेडियो एक्टिव स्रोत के वितरण की गणना करता है। रेडियो एक्टिव सोर्स के वितरण की गणना करता है कौन? गाइगर मूलर है। यहां आपका आखिरी और पांचवा क्वेश्चन। 25 डिवाइस हमने देखे, हर पांच डिवाइस पे एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के माध्यम से आपके आई थिंक कि काफी कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर एक बार में नहीं हुआ तो एक बार और देख लेंगे, तो 25 डिवाइस आपको क्लियर हो जाएंगे। अगले 25 डिवाइस अगले वीडियो में। यहां तक बने तो एक लाइक बनता है।